तो दोस्तों, ये क्रिप्टो मार्केट अगर किसी चीज का वेट कर रहा है तो वो है व्हेल्स का। वो व्हेल्स जो एक ही झटके में इस क्रैश हुए मार्केट को उठा सकती है। पिछले एक साल के अंदर आपको कई तरह की अफवाहें सुनने को मिली होगी कि बेबी डॉज कॉइन पूरी तरह से क्रैश हो गया है, आपको बिटटोरेंट कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, शिबा इनू कभी एक रुपए को टच नहीं करने वाला है, बिटकॉइन पूरी तरह से क्रैश होने वाला है और न जाने क्या क्या। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह की अफवाह कौन फैलाता है? ऐसी अफवाहों को फैलाने से किसको फायदा मिलेगा? हम सोचते हैं कि इन अफवाहों को फैलाने से किसी को क्या ही फायदा होगा, क्या ही किसी को प्रॉफिट मिलेगा। हमारा पैसा डूबेगा, कॉइन्स का भी पैसा डूबेगा, कॉइन्स खुद डूब जाएंगे और इससे किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप गलत है। इन सारी अफवाहों से प्रॉफिट मिलता है व्हेल्स को। वो व्हेल्स जो इस तरह की अफवाहों को फैलाकर मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। इस तरह की अफवाह जब फैलेगी तो मार्केट में कॉइन्स का प्राइस नीचे जाएगा, लोग अपने कॉइन्स को तुरंत ही बेचना शुरू कर देंगे और कॉइन्स गिरते 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 अपने लोएस्ट पर आ जाएंगे और उसी समय एंट्री लेती है व्हेल्स। वो बड़े इन्वेस्टर्स जो करोड़ों की वैल्यू में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही बड़ी व्हेल्स, वही बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उस कॉइन को उठा देते हैं और इन्हीं व्हेल्स ने अब मार्केट में फिर से एंट्री ले ली है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन बड़ी व्हेल्स का मार्केट में इस समय एंट्री लेने का क्या पर्पस है। क्या व्हेल्स की एंट्री के बाद मार्केट अब फिर से उठने वाला है? क्या ये मार्केट क्रैश अब सच में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो वाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हेल्स की एंट्री के बारे में। अब इन क्रिप्टो व्हेल्स का मार्केट में हर कोई वेट कर रहा था। जो लोग मार्केट में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि मार्केट किस तरह से फंक्शन करता है। मार्केट जैसे ही थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है, अफवाह फैलाई जाती है, कॉन्ट्रोवर्सीज की जाती है, न्यूज फैलाई जाती है कि कॉइन्स अब फिर से डूबने वाले हैं और फिर जब सभी कॉइन्स अपने लोएस्ट पर आ जाते हैं, ये व्हेल्स एंट्री लेकर सभी के सभी कॉइन्स में इन्वेस्ट करके मार्केट को उठा देते हैं और फिर आ जाता है बुल रन। ये बात कोई नई नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अमीर हमेशा अमीर बनता जाता है और गरीब हमेशा गरीब बनता जाता है। ये कहावत यहाँ पर भी लागू होती है। इस मार्केट क्रैश से सबसे ज्यादा लॉस किसको होता है? कॉइन्स को बिल्कुल भी नहीं, व्हेल्स को बिल्कुल भी नहीं। लॉस होता है छोटे इन्वेस्टर्स को, वो इन्वेस्टर्स जो केवल 1-2 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। मार्केट जब क्रैश होता है तो यही इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर अपने कॉइन्स को बेच देते हैं, जिसके कारण इन्हीं इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, लेकिन प्रॉफिट होता है व्हेल्स को, बिग इन्वेस्टर्स को, बिग बुल्स को। तो यहाँ पर मार्केट में सभी क्रिप्टो व्हेल्स ने एंट्री ले ली है और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट में अब थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, कॉइन्स के प्राइसेस में भी और हमारे पोर्टफोलियो में भी कॉइन्स फिर से थोड़े बहुत रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं और ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबे चलने वाली है। उसका रीजन ये है कि अभी जो ग्लोबल सिचुएशंस, जो ग्लोबल क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहे हैं वो इस समय स्टेबल नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया की तरह ही कई बड़ी कंट्रीज में रेगुलेशन अब तक क्लियर नहीं है, जिसके कारण ये जो मार्केट अब उठने वाला है ये बहुत ही धीरे धीरे उठेगा। ऐसा नहीं है जो 2021 में हमें एकदम से बुल रन देखने को मिला था वो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने का समय इसमें लग सकता है। मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होगा और तभी एक अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सबसे सेटिस्फाइंग बात यह है कि व्हेल्स की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि व्हेल्स क्रिप्टो मार्केट को उठाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इलॉन मस्क डॉज कॉइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कई सारे ट्वीट्स हमें उनके आए दिन देखने को मिलते रहते हैं और उनकी खुद की कंपनी टेस्ला भी कॉइन को एज अ पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा कई सोर्सेस का ये भी कहना है कि इलॉन मस्क ही डॉज कॉइन के एक बड़े क्रिप्टो होल्डर है। उन्होंने किसी अननोन अकाउंट में ऑलमोस्ट लाखों और करोड़ों की संख्या में डॉज कॉइन होल्ड करके रखे हैं और इसी वजह से इलॉन मस्क को कई लोग डॉज कॉइन का सबसे बड़ा क्रिप्टो व्हेल भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये होल्ड किए हुए सभी कॉइन्स को इलॉन मस्क पूरी तरह से सेल कर देते हैं तो डॉज कॉइन एक ही झटके में डूब जाएगा। और अगर मार्केट में खबर आती है कि इलॉन मस्क ने अपने सारे डॉज कॉइन्स को सेल कर दिया है तो मार्केट में हर बड़े से लेकर छोटा इन्वेस्टर अपने कॉइन्स को सेल कर देगा, जिसके बाद डॉज कॉइन का फिर से रिकवर होना इम्पॉसिबल है। तो इस एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो व्हेल्स का, ये बिग बुल्स का और बड़े इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो मार्केट पर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो जिन भी लोगों ने इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, कुछ महीनों की ही बात है और उसके बाद बुल रन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो होप आपको मेरे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।